कनिका कृति राज के इंटर कॉलेज सिलोगी की छात्रा हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले से आई हूँ। मेरा मॉडल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पे है। कि हमारे देश में बहुत सारे डस्टबिन बने हुए हैं, पर उनका प्रयोग ठीक तरीके से नहीं किया जाता है, इसलिए हमने स्मार्ट बिन बनाया है। जैसे ही ये भर जाएगा तो इसमें सायरन व लाइट जलने लगेगी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये भर गया है उसके, तो हम इसे फिर खाली करवा सकते हैं। इसमें हमने लेजर लाइट लगाई है जो कि दूर तक जाएगा और इससे लाइट दूर तक भेजेगा, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये भर गया है। उसके बाद हमने इसके चारों तरफ से लाइट लगा रखी है, क्योंकि जैसे कि हमें रात के टाइम पर डस्ट से भी नज़र नहीं आता है, तो फिर हम डस्ट को इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसलिए हमने इस पर लाइट लगा रखी है कि ये रात के टाइम पे भी हमें नज़र आएगा, तो हम रात के टाइम पे भी हम इस पर डस्टबिन में हम डाल सकते हैं और फिर कूड़े को हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, नहीं तो हम इधर उधर फेंक देंगे जिससे कि गंदगी हो जाएगी, और गंदगी होगी तो फिर हम बीमार भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इस पर लाइट लगा रखी है कि रात के टाइम पर भी डस्टबिन नज़र आएगा। उसके बाद हमें इसमें हमें सोलर प्लेट लगा रखी है जो बैटरी को चार्ज करेगा, और बैटरी से फिर जो हमने सर्किट बना रखे हैं इसमें है प्लस माइनस बैट स्विच, तो प्लस और प्लस को हमने सारे प्लस कनेक्ट किए हैं और माइनस को हमने सिर्फ बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने इसमें बैट स्विच लगाया है। उसके बाद हमने ये जैसे नीचे कनेक्ट कर रखा है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाएगा, और जैसे ही कूड़े का फोर्स ऊपर को होगा तो सायरन व लाइट जलने लगेगी। उसके बाद हमने इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, जो कि आप देख लोगे कि जो लोग सही जगह पर ना फेंक कर इधर उधर फेंकते हैं तो फिर गंदगी हो जाती है, जिस कारण से हमें बीमार जाते हैं। तो इसमें वो जो इधर उधर फेंकेगा वो फिर इसमें ध्यान देगा कि हमें फिर उसे फाइन भरना पड़ेगा, तो वो इसी में देगा, इसी में डालेगा कूड़े को, तो फिर इधर गंदगी नहीं फैलेगी, और गंदगी नहीं फैलेगी तो हम बीमार भी नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2019 तक भारत को स्वच्छ एवं सफल बनाने का, अगर ये हमारा डस्टबिन सफल होता है तो ये हमारे पूरे देश में बनेगा, और पूरे देश में बनेगा तो ये फिर हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा।